आजकल मदद से मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों का बहुत रुझान है सिनेमेटोग्राफी में, फिल्म मेकिंग में, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अच्छा, आप बच्चे कहाँ हैं? मैं समझे छोटे बच्चों की बात, स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें। आप खुद इतनी बड़ी नहीं है ना, अब ये बच्चे वाला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे लोगों ने आपको कहना है कि शायद हाँ, तो ये अब यह कहें कि नौजवानों का बहुत रुझान है, बच्चों से आप फिर आंटी लगना शुरू हो जाएंगी, इसलिए वापस आते हैं। मुझे लगा आपने मुझे कहा है कि आप खुद अभी मतलब बच्ची हैं, चलें खैर कोई बात नहीं, ये तो देखने वाली भी आपको बता सकते हैं कि आप बच्ची नहीं है। फिल्म बनानी है मगर कैसे जनाब, बजट कितना हो, कॉन्टेंट क्या हो। आज हमारे हर नए फिल्म मेकर्स कुछ यूनिक की तलाश में है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर शमून अब्बासी की कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें वो फिल्म मेकर्स को बहुत सारी टिप्स दे रहे हैं। मुदस्सर, आपने देखी? बिल्कुल, और दूसरी बिल्कुल वो, और कुछ सीखने को भी मिलता है उनसे, तो बैठे भी अगर शमून अब्बासी के साथ तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। दूसरी तरफ शमून की अपनी नई फिल्म ढाई चाल भी रिलीज के करीब है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तानी मूवी साढ़े नौ पर रिलीज होगी, यानी अगले माह दिसंबर में। शमून अब्बासी आज हमारे गेस्ट भी हैं और हमें यकीन है कि वो हमें भी कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने के टिप्स जरूर देंगे ताकि हम भी कुछ फिल्म मेकिंग में भी आ जाए ना। फिल्म मेकिंग अगर नहीं भी तो बंदा तजिया अच्छा कर लेता है ना, अगर नॉलेज हो तो नहीं, शमून के साथ तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। खैर, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शमून अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शमून, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये ढाई चाल, अगर जहाँ तक मुझे याद है, ये मूवी तो बन गई थी, कुछ रुक गई थी, कुछ हर्डल्स थे, ये वाकई ये वही मूवी है ना? और ये अब कब आ रही है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल, ये फिल्म एक तो जाहिर कोरोना की वजह से आपको पता है बहुत सारी फिल्म्स हॉल्ट हो गई थी। ये फिल्म जो है वो 8 दिसंबर को आ रही है और काफी इस पे मेहनत हुई है। बहुत डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने, हमारे तैमूर शिराजी ने, डॉक्टर इरफान अशरफ ने बहुत मेहनत की है और एक बड़ा बारीक जिसको कहते हैं सब्जेक्ट था जिसको लेकर चलना था, बट अल्टीमेटली इट्स कमिंग, इट्स अराइविंग। पाकिस्तान में फिल्म का एक अच्छा रिवाइवल हुआ कि बहुत से लोग जो फिल्म की तरफ नहीं थे वो फिल्म की तरफ भी आए और फिल्म मेकिंग की तरफ भी आए। शमून, आपने इससे पहले भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुछ ऐसी ही मूवीज़ दी हैं जिसको हम कहें कि एक्शन मूवीज़ हैं, ड्रामा है, स्टोरीज़ हैं, तो यह आप आजकल फिल्म सिखा भी रहे हैं, फिल्म पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, तो वाकई इस तरह रुझान पाकिस्तान में बन रहा है और एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल जी, और इस सारे प्रोसेस पे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो इस तरह मेहनत कर रहे हैं कि वो एकेडमीज जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस में जाके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेंटरशिप की कमी थी, मुझे जो समझ में आया वो ये था कि टीचर तो जरूर जरूरी होता है लेकिन टीचर के साथ साथ ना एक मेंटोर भी होना चाहिए। तो मुझे वो प्रॉब्लम महसूस होती थी ऑनलाइन कि कोई ऐसा शख्स जो कि आसान अल्फाज में इन बच्चों को गाइड कर सके। देखिए, जब हम बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजीज में बच्चों को फंसा देंगे और हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में फंसा देंगे ना, तो फिर माइंड उस तरह काम करने लगता है जैसे वो, जिस तरह बच्चे स्कूल में जो है आपने देखा है कि एजुकेशनल सिस्टम्स भी अब फेल होते जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि बर्डन माइंड पे ज्यादा डाला जा रहा है। तो मैंने कोशिश की कि मैं उर्दू में आसान अल्फाज में, जो लैंग्वेज हमारी रोजाना की जो इस्तेमाल होती है, उसमें मैं जरा टिप्स देना शुरू करूँ। अच्छा, और अभी तो शुरू हुआ। बात बताइएगा कि मैंने ये बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, ठीक है, बर्डन वाली बात एक अलग है कि कॉन्सेप्शनल स्टडीज उस तरीके से नहीं होती हैं, लेकिन वो बाहर जाते हैं फिल्म मेकिंग के लिए, बाहर के ममालिक का रुख करते हैं कि जी मैं वहाँ जाके सीखूंगा, वहाँ से डिग्री लाऊंगा। क्या वजह है? क्या वो टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही, या हमारा पढ़ाने का अंदाज कुछ इस तरह का है कि वो कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा, या हमारी इंडस्ट्री के हालात जो पहले रहे हैं उसको देखते हुए बच्चों का भी है कि यहीं से नहीं बाहर से सीखेंगे? देखिए, एक तो आपको पता है हमें थोड़ा सा एक ये इशू भी है एज अ नेशन कि हर चीज हमें बाहर की चाहिए, हमें हर चीज इम्पोर्टेड चाहिए, हमें हर चीज जो है वो, एक तो ये इशू है ही। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि जो पढ़ाने का तरीका है वो असल में देखिए, फीस की जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि वो जो फीस है वो सालों चलती रहे, और बच्चा अगर जल्दी सीख के निकल गया तो फिर अब तो हम उस प्रोसेस में फंसे में। इस पे जाहिर है बहुत लंबी डिबेट है, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन फीस का जो सिलसिला है वो उसमें। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम थ्योरीज में हमने बहुत ज्यादा बच्चों को फंसा दिया, रियलिटीज में बच्चों को नहीं ला रहे। ब्रिंग देम ऑन द ग्राउंड, उनको कैमरा दिया जाए, उनको एडिटिंग मशीन दी जाए, उनको लिखने का मौका दिया जाए, और फिर आप देखें कि वो गलतियां करें
और उन गलतियों के बाद वो सीखें। जब तक वो करेंगे नहीं तो गलती नहीं करेंगे, और गलती नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं सकेंगे। बिल्कुल, ये ज़बरदस्त बात है आप फिल्म मेकिंग के। लेकिन आपकी ढाई चाल के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताएं कि दो चालें, तीन चार पाँच चालें, क्यों ढाई चाल क्या है? और इस फिल्म में आप कुछ वन लाइनर बताएं ना कि क्या आप स्टोरी क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं? बाकी तो लोग 8 दिसंबर को देखने जाएंगे। देखिए ढाई चाल जो है ना वो ये तो शतरंज की जो सही, होती है। सही, उसका सही। एक ढाई चाल घोड़ा जो होता है ना, जी जी बिल्कुल, और वो अनस्टॉपेबल होता है एक तरीके से। तो डायरेक्टर साहब का जो कॉन्सेप्ट था ढाई चाल का वो ये था। और स्टोरी बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ मैं आपको, ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन वो ये है कि एक इंडियन स्पाई जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त तहवील में है, जिसका नाम है कुलभूषण यादव। और की जिस तरह इन्फिल्ट्रेशन हुई पाकिस्तान में, किस तरह वो, क्या सोर्सेज होते हैं जो इस तरह के एजेंट्स या इस तरह के जो अनासर हैं वो हमारे मुल्क में आते हैं, और वो किस किस्म का नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि इस तरह की फिल्में ना नॉलेज शेयर करने के लिए ज्यादा बनती हैं, किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं। आपने देखा होगा कि दूसरे ममालिक भी जो हैं वो इस तरह के जो केसेस हैं उनको डिस्कस करके उनको फिल्म पे फिल्म बनाते हैं, क्या किया था, किसकी क्या गलती थी। और डेफिनेटली हम पाकिस्तान में अगर फिल्म बना रहे हैं और पाकिस्तानी फिल्म बना रहे हैं तो हमें अपने मुल्क की दिफा करनी है, और दिफा करने का ये भी एक तरीकेकार है कि हम सच्चाइयां भी पेश करें। अब उसमें लोग कुछ जो है वो खफा होते हैं कि जी आप लोग इस तरह की फिल्म्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हर फिल्म मसाला फिल्म नहीं हो सकती, हमें रियलिटी बेस्ड फिल्में भी बनानी है जिनपे हमें नजर आने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा शमून, मैंने इसमें कास्ट जो देखी है उसमें बड़े वर्सटाइल एक्टर्स हैं। सिराज को एक तो मैंने देखा है जो अखंड भारत वाला डायलॉग बोल रहे हैं, और वो बड़ा, वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा है, मतलब बड़ा वो दबंग अंदाज में उन्होंने कहा है। इसके अलावा कास्ट में और कौन कौन है, और अपने किरदार के बारे में बताइए। कास्ट में जी बड़े मजे के लोग हैं इसमें, हुमायूं अशरफ साहब हैं, इसमें आयशा उमर हैं, इसमें हमारे बहुत मायानाज एक्टर थे जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, रशीद नाज साहब वो हैं, और सलीम मेराज हैं, और इसमें अदनान शाह टीपू हैं, इसमें मैं हूँ, और काफी सारे और। आपका रोल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस तरह का है आप बताइए, क्या होना चाहिए? मैंने पता नहीं क्यों आपको ज्यादातर नेगेटिव रोल्स में देखा है, बड़े जच रहे होते हैं। मैं कुलभूषण यादव मैं ही बना। अच्छा जबरदस्त। लेकिन इतना कुलभूषण यादव को हमने उसमें रियल पिक्चर्स में वीडियो में देखा है, इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत और इतना हैंडसम कुलभूषण नहीं था जो शमून अब्बासी आप बने हैं। बिल्कुल, मैंने कहा यार पड़ोसी मुल्क के लोग जो है ना नाराज ना हो जाएं किसी हमने अहले मेले से फिल्म करवा दिया, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूं। चलिए ये भी अच्छा, अच्छा है। वैसे आजकल के जो हालात है शमून, जरा मुझे बताएगा कि अक्सर हम देखते हैं हमारे पास कास्ट आती है तो बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, आपको तो किसी किस्म की हर्डल्स नहीं फेस करनी पड़ रही? देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं और जो सिनेमा के मसाइल हैं वो तो सबके लिए बराबर है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ सब फिल्म मेकर्स को कि फिल्म अच्छी बनाइए, ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाती हैं, पब्लिसिटी भी खुद हो जाती है, वर्ड ऑफ माउथ भी फैलता है, खबरों में भी आप रहते हैं। बिल्कुल। हम बुरी फिल्में बना के उनको जब ज्यादा पब्लिसिटी देने की कोशिश करते हैं और वो फेल होती हैं तो फिर हमें हमारा दिल दुखता है कि यार हमने इतना पैसा लगाया और वो फिल्म नहीं चल सकी। तो असल बात है फिल्म पर ध्यान देना कि फिल्म अच्छी बननी चाहिए। और अब अच्छी और बुरी फिल्म क्या होती है ये बहुत लंबी डिबेट है, क्योंकि किसी के लिए कोई फिल्म अच्छी होती है, किसी के लिए कोई फिल्म अच्छी होती है। और ये बात तो आपको पता है कि अभी तक इंडिया भी सॉर्ट आउट नहीं कर सका कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी। ये बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स फिल्म बनाते हैं लेकिन होता यह है कि वो नहीं चलती। तो ये एक हमेशा एक तरीके का बेट होता है, एक तरीके का जुआ होता है, जिससे मुझे लगता है कि इसको करते रहना असल बात है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि आप फिल्में बनाते चले जाएं। पाकिस्तान को इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि हर कैटेगरी की फिल्म को वो जो है ना सामने आने दें। डिस्ट्रीब्यूटर साहिबान से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि जो छोटी बजट की मूवीज हैं उन्हें इग्नोर ना करें और उन पर भी उतना ही ध्यान दें जितने बड़े बजट की मूवीज होती हैं, और उनकी पब्लिसिटी और मार्केटिंग में भी उतना ही हिस्सा डालें जितना। और हर एक्टर को इंडिया में या हॉलीवुड में
छोटे से छोटे एक्टर को भी स्टार बनाया जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या पब्लिसिटी या मार्केटिंग कंपनी और एजेंसीज का होता है कि किसी भी एक्टर को हिट करवाया जाता है, वो लोग उसको नहीं जानते, ये काम मार्केटिंग का। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है, मुझे नहीं पता पर्सनल ग्रजेस हैं लोगों के, अपनी लेजीनेस है, या शायद उस प्रोसेस को समझ ही नहीं पा रहे कि हमें अपने एक्टर्स को बड़ा करना है, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट, क्योंकि काम हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी अब सलीम महराज हो या अदनान शाह टीपू हो, हुमायूं अशरफ हो, आयशा कुंवर हो, और कितने भी एक्टर्स, उन्होंने कमाल काम किया, यानी इंटरनेशनल लेवल का काम हुआ है, तो फिर वो पब्लिसिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती, वो मार्केटिंग क्यों प्रोवाइड नहीं की जाती? उसमें लोग कहते हैं जी पैसा, पैसा हर चीज नहीं होती, स्ट्रेटेजिकल कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो स्ट्रेटेजी को लेकर भी चलना होता है, वो स्ट्रेटेजी हमारी लैकिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्ट्रेटेजी से भी पैसा बड़ा अच्छा आ जाता है, हमने बहुत सी आर्ट मूवीज देखी हैं जो बड़ी सुपर हिट रही हैं, चाहे वो हॉलीवुड में हो या फिर वो बॉलीवुड में भी हो, तो इसमें फिल्म बीनों के हवाले से आप क्या कहेंगे अपनी इस फिल्म से मुतालिक जो अब आर्ट को आ रही है, तकरीबन चंद दिन ही अभी बाकी है, तो क्या कहेंगे सिनेमा की तरफ जो लोगों का रुझान है, कैसी फिल्म उनको ये मिलेगी देखने को? देखिए फिर मैं कहता हूँ कि बस उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, हमने पूरी मेहनत की, डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ने, यानी तैमूर शेराजी ने, डॉक्टर इरफान अशरफ ने बड़ी डिटेल में इस फिल्म को बनाने की कोशिश की, और ये एक तरीके से उन सारी फिल्मों का जवाब भी था जो हम अपने खिलाफ सुनते रहते हैं लेकिन हम कभी जवाब नहीं देते। वैसे तो नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुल्कों में आपस में ये जो एक्सचेंज है, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हमने एक फिल्म आपके खिलाफ बनाई फिर हम आपके खिलाफ एक फिल्म बनाए, तो ये चीज तो वैसे ही खत्म, ये बाउंड्रीज ही खत्म हो जानी चाहिए एक नफरतों की और एक दूसरे से जो है ना कॉम्पिटिशन करने की। बट समहाउ बिकॉज आज भी मैं देखता हूँ कि अभी सलमान खान की फिल्म आई तो टाइगर 3 है, मैंने देखी नहीं है लेकिन मैंने सुना कि जी चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ उसमें बात की गई, तो फिर वो गदर अभी 2 आई थी उसमें भी पाकिस्तान के, तो ये एलिमेंट चूंकि बिकता है तो मैंने नोट किया कि फिर प्रोड्यूसर साहिबान या डायरेक्टर साहिबान जो है इस एलिमेंट को बेचने पर लग जाते हैं। और हमसाया मुल्क में तो ये खास एलिमेंट जो है वो सियासत से लेकर फिल्म तक हमने बहुत देखा है, वो बिक रहा है, लेकिन जो आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की, रियलिटी बेस्ड चीजें वो होना चाहिए, तो जो रियलिटी थी वो बहरहाल आपने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया शमून अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और अब फिल्म आ रही है और इस फिल्म को देखने के लिए 2.5 साल अब आपने जाना है, 8 दिसंबर को जनाब, क्योंकि भी चलेंगे। मैं देखिए हम उधर से इतने स्ट्रेस के माहौल में ना, ये एक ठंडी हवा का झोंका होता है कि आप सिनेमा में जाएं और कुछ अपना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, पॉपकॉर्न खाएं, मूवी एंजॉय करें, तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह अभी बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।